गाइस, मैंने इस पहाड़ के ऊपर एक कैमरा लगा दिया है ताकि मेरे को सब कुछ पता लग जाए कि यहाँ पे होता क्या है। वहां पर एक एलेक्स खड़ी है एंड वो ओ माय गॉड, वो तो एक चुड़ैल बन चुकी है यार। ये एलेक्स तो एक चुड़ैल बन गई एकदम साइटनिंग से, लेकिन ये कैसे और क्यों हुआ भाई? ये क्यों हो रहा है माइनक्राफ्ट में भाई? वो चुड़ैल कैसे बन सकती है? और अब वो चुड़ैल जा रही है विलेजर्स को खाने के लिए। व्हाट यार, ये हो क्या रहा है आखिर? सो गाइस, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हमारे वर्ल्ड में हो क्या रहा है। मतलब वो एलेक्स एक चुड़ैल कैसे बन सकती है? वेट भाई, ये क्या कर दिया चुड़ैल ने यार? गाइस देखो, चुड़ैल क्या कर रही है भाई। उसने बेचारे उसके मतलब विलेजर को मार दिया है। और ये क्या, उसकी बॉडी यहाँ पड़ी है विलेजर की? यार इसने इतनी गंदी तरह बेचारों को मारा है फालतू में। इन बेचारे विलेजर्स की गलती ही क्या थी यार? ये तो सिर्फ आराम से यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सब होने वाला है। और भाई भाई मतलब पूरे विलेज को इसने मार डाला भाई। इतनी बुरी चुड़ैल है भाई वो, अगर वो मेरे। लेकिन गाइस, हमको एक बात का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो चुड़ैल है कहाँ पर। यहाँ पर देखो, खून के निशान हैं जो कि चेस्ट में जा रहे हैं। वेट गाइस, यहाँ पर मेरे को एक एक एलेक्स मिली है जो कि स्टैचू है। आई थिंक मैं इसको स्पॉन कर सकता हूँ। वेट करो, मैं इसको लगाने वाला हूँ सामने। वेट, ये कौन स्पॉन हो गया यहाँ पे? ये तो वही चुड़ैल है। आई थिंक इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन ये यहाँ पे स्पॉन हो चुकी है और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। भाई मेरे को बचा लो कोई प्लीज। ओ माय गॉड गाइस, देखो मैंने रात को कैमरे के अंदर क्या रिकॉर्ड किया। ये देखो, एक स्टीव भागता हुआ जा रहा है अपने घर के अंदर एंड उसके पीछे एक खतरनाक सा स्टीव, जो भी स्कैरी वाला स्टीव, वो उसके पीछे भागता हुआ जा रहा है। पता नहीं ये लोग क्या खेल रहे थे आपस में लिटरली। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। सो पहले शीप को मारते हैं, अपना दिन का शुभारंभ करते हैं। एंड ये तो वही घर है ना जो ये रात में था, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था उसके अंदर। चलो देखता हूँ उसके अंदर आखिर रात में हुआ क्या था यार। वैसे मेरे को ज़्यादा कुछ याद तो नहीं है, लेकिन ये वही घर है क्या पक्का? हाँ ये वही घर है। ओ माई गॉड, ये तो स्टीव है। और आई थिंक वो जो उसके पीछे पड़ा हुआ था ना खतरनाक वाला स्टीव, उसने इसका ये हाल किया है। ओ माय गॉड गाइस, ये हमारे वर्ल्ड में हो क्या रहा है लिटरली? मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है यार। लगता है हमारा वर्ल्ड एक स्कैरी कर्स्ड बन चुका है एंड इसको दोबारा ठीक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो गाइस, मैं तो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुका हूँ माइनिंग करने के लिए। अरे वाह, डायमंड मिल गया यार, मजा आ गया भाई। कितने, एक डायमंड मिल चुका है। ओ दो और हैं भाई, सारे के सारे माइनिंग करो, यहाँ पे और भी सारे होंगे। चलो माइनिंग करते हैं। यहाँ पे ये क्या है? अरे ये क्या है गाइस, मेरे को ये देखो क्या मिल गया। ये तो एक सीक्रेट केव है यार। हाँ ये एक सीक्रेट केव है। चलो इसको चेकआउट करते हैं, इसके अंदर क्या मिलता है यार। यहाँ तो काफी सारे मकड़ी के जाले क्यों लगे हैं यार? और ये क्या पड़ा है? ओ माई डेथ बॉडी, ओ माई गॉड, वो भी ये कैसे हाथ पड़े हुए हैं? कहीं ये स्टीप के तो नहीं है? और ये कौन आ रहा है यहाँ से? ओ ये कौन है? ओ माई गॉड, ये तो डेड थिंग है। That thing, यहाँ पे क्या कर रहा है? आई थिंक मतलब रात में यही था क्या वो? शिट गाइस, ये देखो मैंने अपने कैमरे के अंदर क्या रिकॉर्ड किया कल रात को, यानी कि कल शाम को। और ये देखो यहाँ पे एक जो ये विलेजर था ना, ये एकदम शांति से खड़ा हुआ था और फिर पास में आके ये क्या हुआ? ये देखो भाई, ये एक लॉन्ग विलेजर बन गया, वो भी स्कैरी वाला। और ये भाई इतना लंबा हो गया कि ये किसी को भी मार सकता है। और ये फिर दूसरे विलेजर्स के पीछे पड़ गया उनको मारने के लिए। ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है भाई? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो गाइस, और मैं जा रहा हूँ उसी विलेज के अंदर चेक करने के लिए कि आखिर वो विलेजर यहाँ पे है या फिर नहीं। यार ये कैसे हो गया यहाँ पे? मतलब मैंने कल रात ही यहाँ पे कैमरा लगाया और उसमें इतनी खतरनाक चीज़ रिकॉर्ड हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। सो मैं उसी विलेज में आ चुका हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। यार यहाँ तो देखने से लग रहा है कि कुछ ना कुछ खतरनाक हुआ है। ये कौन है? ओबे, मतलब उस विलेजर ने अपना काम शुरू कर दिया भाई। इसको मार क्यों दिया भाई? ये क्या हो गया इसको यार? विलेजर की यहाँ पे सर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर जाने का है मेरे को। इसके ऊपर कैसे रुको, यहाँ पे माइन करता हूँ एंड ये मर ली एंड इसको लगा के यहाँ पे चलते हैं ऊपर, देखते हैं यहाँ पे क्या है यार। कुछ तो पक्का होगा। ओ मतलब भाई, ये यहाँ पे इस विलेजर का सर यहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे, और बॉडी यहाँ पड़ी हुई है।
भाई लगता है बहुत ही खतरनाक फाइट हुई है इन लोगों की। यार ये देखो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया है उस बंदे ने, यार उस विलेजर ने, यानी कि वो लॉन्ग विलेजर इतना खतरनाक है कि उसने पूरे उसने इन सभी को मार दिया लग रहा है। यार ये देखो, ओ ये तो यहाँ भी आ चुका है भाई। अबे शिट भाई छोड़ दे। गाइस देखो ये दोनों मेरे दोस्त हैं और ये लोग यहाँ पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भाई ये लोग पक्का कुछ खेल रहे हैं या फिर ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके एक बंदा गया उस फैक्ट्री के अंदर एंड कुछ साइटिंग वगैरह हुई है। उसके बाद ये क्या बन गया भाई, ये तो स्कैरी स्टीव बन गया। ओ माय गॉड, और अब ये उसी बंदे के पीछे पड़ चुका है। अबे ये दोनों बन चुके हैं दुश्मन, मतलब दोस्त से दुश्मन बन चुके हैं। वो देखो उसके पीछे भाग रहा है वो भाई, छोड़ दे उसको ब्रो। सो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं वहीं पे जहाँ पे वो मैंने कैमरा लगाया था और जहाँ पर वो स्टीव एक खतरनाक सा स्कैरी स्टीव बन गया था। सो चलो चलते हैं वहाँ पे। और वो देखो गाइस मेरे को सामने दिखाई भी दे रहा है, वो देखो वो वही फैक्ट्री है शायद। यहाँ पे कितना सारा खून पड़ा हुआ है भाई, और गाइस देखो कितना सारा खून पड़ा है यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन ये वही फैक्ट्री है क्या? हाँ गाइस ये वही फैक्ट्री है जो कि मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान इतना खतरनाक बन जाता है? भाई ऐसा कुछ खतरनाक तो है नहीं यहाँ पे। और ये मेरे दोस्त का घर है जो कि अब यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसको तो वो पकड़ के ले गया ना भाई। यार ओ भाई इसके हाथ में, ये तो वही स्टीव है। अबे भाई इसने अपने दोस्त को खा लिया भाई, ये यार ये कितना खतरनाक है। ये देखो मेरे विलेज के अंदर कल रात कौन आया था, एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी आयरन गोलम, और ये कोई नॉर्मल आयरन गोलम नहीं है भाई, ये बहुत ही खतरनाक था। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। तो ओ विलेजर भाई तेरे को क्या हो गया? गाइस ये मेरे से बोल रहा है कि यहाँ से भाग जाओ यहाँ खतरा है। लेकिन ऐसा कौन सा खतरा, चेक करता हूँ भाई आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। चलो यार चेक करते हैं कि हमारे विलेजर कौन सी मुसीबत में है। अरे हाँ ये तो वही विलेज है जिसके अंदर रात में कल आयरन गोलम आया था। ये देखो भाई इस विलेजर को कितनी गंदी तरह मार दिया इन लोगों ने भाई, सर में चो। और ये क्या जा रहा है यहाँ से? मम्मी यार मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई, क्या होने वाला है यहाँ पे भाई? ये सारे विलेजर को कैसे क्यों मारा इन लोगों ने? अबे यार भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्या होने वाला है? ओ खून पड़ा है यहाँ पे, ओ भाई यहाँ भी खून पड़ा है। और भाई बहुत ही खतरनाक रात हो रही है गाइस, रात के 3 बज रहे हैं यार और मैं 3 बजे माइनक्राफ्ट के अंदर उठा हूँ। आई थिंक देखते हैं यहाँ। और भाई ये क्या, इतनी गंदी तरह इसको भी मार दिया विलेजर को। ओ भाई गॉड यार ये क्या? ओ भाई तूने मारा है भाई तूने। गाइस ये वही आयरन गोलम है जो रात में आया था। ओ माय गॉड। सो गाइस यहाँ पर देखो मेरे दोस्त के घर के सामने मैंने एक कैमरा लगा दिया है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये क्या, मेरा दोस्त एक स्कैरी मॉब बन गया। व्हाट ये क्या है भाई, कैसे बन गया ये? ओ भाई लगता है इसको बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हो गया है जो कि इस मकड़ी ने करा है। एंड यहाँ पे एक बार फिर से गाइस यहाँ पे देखो मेरा दोस्त अपने घर से बाहर निकला है एंड ये एक स्टीव से एक मकड़ी बन गया भाई। चलो फर्नेस में चिकन पकाते हैं, थोड़ी देर में हम लोग खाएंगे चिकन को। चलो बाहर कौन है डोर पे, कौन है ब्रो? हेलो, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ओ सायरन हेड के बच्चे निकाले यहाँ से। गाइस मेरे सामने सायरन हेड का बच्चा आया, मैंने उसको मार दिया भाई। एलेक्स पता है मैंने भी सायरन हेड को मारा और उसको मारने के बाद मेरे को बहुत ही मजा आया भाई, मतलब वो इतना कमजोर था कि मैंने उसको एक ही बार में मार दिया। सो गाइस मैं आ चुका हूँ माइनिंग करने के बाद अपने घर पे जा रहा हूँ। चलो फटाफट चलते हैं घर पे एंड आज घर पे मजे करेंगे भाई। और चलो फटाफट चलते हैं गाइस, ये मेरा घर, गेट खुला है। व्हाट ये क्या हो गया मेरे घर को भाई? कौन है ये जो मेरे घर को पूरा बिगाड़ दिया है भाई? यार ये और एलेक्स तुम्हें ये क्या हो गया? नहीं तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता एलेक्स, मेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा एलेक्स? अरे एलेक्स तुम्हें ये क्या हो गया? गाइस मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि एलेक्स की मौत हो चुकी है और मैं उसे आज उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ गाइस, उसकी ग्रेव बना रहा हूँ। सो प्लीज एलेक्स के लिए कमेंट कर देना। और ये क्या सायरन हेड, मतलब इस सायरन हेड ने मेरे से बदला लिया अपने बच्चे का, मैंने इसके बच्चे को मारा था ना। हाँ वेट ये क्या हो रहा है, मेरे दोस्त के पीछे इतना बड़ा जायंट ज़ॉम्बी पड़ा हुआ है, लेकिन कैसे, लेकिन क्यों,
ये ज़ॉम्बी मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़ा है? मेरे दोस्त ने इसका क्या बिगाड़ा होगा भाई? और ये तो मेरा इस ज़ॉम्बी ने तो मेरे घर का मेरे दोस्त का घर तोड़ ही डाला भाई। लेकिन आखिर अंदर हो क्या रहा है चेक करना पड़ेगा इससे पहले कोई भयंकर सा कोई प्रॉब्लम हो जाए। और बारिश भी आ गई। और ये क्या इतनी जल्दी इसने मेरे दोस्त को मार भी दिया? ऐसा नहीं हो सकता यार। ओ माय गॉड, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त, तुझे क्या हो गया ब्रो? और आखिर ये ज़ॉम्बी कहाँ चला गया? हे ज़ॉम्बी, तू कहाँ है? तू मेरे सामने आ फटाफट से, मैं तुझे बहुत मारूंगा। गाइस मेरे दोस्त को इसने मार दिया है और अब मुझे गाइस कुछ भी करके अपने दोस्त का उसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। सो मैं इसकी ग्रेव को यहाँ बना रहा हूँ ताकि इसकी आत्मा को शांति मिले और ये यहाँ वहाँ ना भटके एकदम भूत बन के। सो मैं इसकी आत्मा की शांति के लिए ये सब कर रहा हूँ, मतलब पूजा वगैरह कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसकी ग्रेव बना दी है यहाँ पर गाइस ताकि इसकी आत्मा ना भटके। और अब चलता हूँ मैं अपने घर की तरफ। तो गाइस आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और मेरे को पता है यार कि माइनक्राफ्ट बहुत ही प्यारा गेम है, इसीलिए मैं इसको बार बार खेलता हूँ। सो चलते हैं। ओ वेट यार, ये सामने कौन कौन है? ओबे एलेक्स, तू यहाँ पे क्या कर रही है? और यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई, कैसे हो तुम लोग? मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पर ये लोग डांस कर रहे हैं सब लोग साथ मिलके। लेकिन गाइस यहाँ पर ये क्या है भाई? ओबे ये तो सीक्रेट पोर्टल है, लेकिन मेरे को लगता है ये सीक्रेट टनल्स हैं यार। ओ माय गॉड, यहाँ बहुत सारी है, 1 2 3 4 5 6, और हमको इन सबके अंदर जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं इसके अंदर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त कहें तो मेरे को जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सो हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट वाले के अंदर और ये है गाइस पॉपी प्ले टाइम। और गाइस देखो वो हमारे सामने खड़ी है, पॉपी प्ले टाइम, माय गॉड। और हम लोग उससे कैसे बचेंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से एक पिग आ रहा है ऊपर से, मेरे को लगता है ये हमको बचाने वाला है। नहीं, ओ यहाँ पर जो एक बंदा है वो इस पिग के ऊपर बैठ चुका है एंड बैठने के बाद शायद ये पॉपी प्ले टाइम को मारने के लिए जा रहा है। हाँ मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ गाइस वो वहाँ पे पहुँच चुका है एंड वहाँ पहुँच कर वो पॉपी प्ले टाइम से फाइट कर रहा है। लेकिन क्या वो उससे फाइट कर लेगा? मुझे नहीं पता वो कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, लेकिन फाइट तो लगातार हो रही है वहाँ पे। और ये क्या, पॉपी प्ले टाइम ने उस बंदे को मार दिया भाई। यार ये तो बहुत ही पावरफुल निकली। अब हमारा क्या होगा गाइस? यार कहीं मेरे को भी ऐसे ही ना मार दे। और वहाँ पे गाइस एक और बंदा आ चुका है, मेरे को लगता है ये प्ले टाइम उसको भी मारने वाली है, देखते हैं। और यहाँ पर क्या हालत कर दी इसकी यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, सामने वो उसको भी मार रही है। नहीं, अरे छोड़ दे उसको प्ले टाइम, छोड़ दे, वो मेरा दोस्त है। शिट यार ये सबको मार देगी लगता है। लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे को दिख गया है एक चेस्ट। ओके तो गाइस मेरे को मिल चुका है एक खतरनाक सा बो, तो अब मैं इसको मारने वाला हूँ अपने बो से। एंड ये देखो भाई ये कितने खतरनाक तरीके से मरने वाली है, क्योंकि जो मेरे पास ये बो है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही बड़ा है। एंड ये गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे मैं इसको मार दूंगा। वेट करो वेट करो आप लोग बस। ओके आप लोगों ने देखा मैंने कितना इजी इस पॉपी प्ले टाइम को मार दिया भाई। मतलब भाई जो ये मेरे पास बो है ना ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है एंड इससे ज्यादा खतरनाक कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पर देखो हम लोगों ने इस बंदे को रिवाइव कर लिया जो कि मर गया था। लेकिन गाइस सामने एक पोर्टल बन चुका है और मुझे लगता है हमको उस पोर्टल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर हमें दूसरी सीक्रेट टनल्स के अंदर जाना है तो हमें इसके अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो सीक्रेट टनल्स हैं वो तो वहीं पे हैं जहाँ से हम लोग आए हैं। सो लेट्स गो दोस्तों, चलो फटाफट चलते हैं यहाँ से, हमारे सामने ये रहा पोर्टल। सो चलो चलते हैं। ओके तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग जहाँ से गए थे वहीं पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे देखो कितनी सारी सीक्रेट टनल्स हैं। सो हम लोगों ने जा चुके हैं हम लोग पॉपी प्ले टाइम के अंदर और अब जाने वाले हम लोग स्कैरी डॉल के अंदर। इसका नाम है स्क्विड गेम डॉल, तो उसको आप लोग जानते होंगे। सो लेट्स गो। सो हम लोग आ चुके हैं स्क्विड गेम डॉल के अंदर एंड वो हमारे सामने उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, पता नहीं वो क्या कर रही है। लेकिन ये एक गेम होता है और अगर हम लोग हिले तो वो हमको मार देगी, ये एक गेम का रूल है। मतलब जैसे वो पीछे मुड़ के देखेगी और हम लोग अगर हिलें तो वो हमको वहीं पे मार देगी, तो इसलिए हमको हिलना बिल्कुल नहीं है। ओके तो मैं स्टॉप हो चुका हूँ और अब वो मेरी तरफ देख रही है तो मैं स्टॉप हूँ और उसने पीछे मुँह कर लिया, तो बार ये भागने की, फटाफट भागो 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 जल्दी भागो। ओ स्टॉप 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 स्टॉप, वो हमें देख रही है स्टॉप और वो हमें नहीं देख रही है। भागो फटाफट जल्दी भागो सामने की तरफ इससे पहले कि वो पीछे दोबारा देखने लगे। ओ स्टॉप 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 एलेक्स स्टॉप। ओके स्टॉप एम लोग। ओके चलो फटाफट आगे बढ़ो जल्दी आगे बढ़ो जल्दी स्टॉप। ओ नो हमारा एक दोस्त को उसने मार दिया।
क्योंकि वो स्टॉप नहीं हुआ था। ओके अभी वो नहीं देख रही है मैं। ओके ओके क्या हम लोग जा, ओ स्टॉप भाई स्टॉप स्टॉप। ओके मैं स्टॉप हूँ। ओके प्लीज डोंट किल मी। ओके मैं बच गया फाइनली, मैंने ये लेवल कंप्लीट कर ली। मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, ये बहुत ही टफ लेवल होती है, ऐसे कोई कर नहीं पाता है, लेकिन मैंने ये कर ली बहुत ही ईजिली। लेकिन यहाँ पर एक हैकर है जो कि पता नहीं क्या कर रहा है रूम में बैठकर। मेरे को लगता है ये जो हैकर है वो सारे इकोसिस्टम को बेकार करने वाला है भाई। लगता है ये कुछ नए रूल डालने वाला है गेम के अंदर। और ये क्या, उसने डॉल को बना दिया स्कैरी डॉल। अबे अभी डॉल हमारे पीछे पड़ गई है, जल्दी भागो एलेक्स, एलेक्स वो तुम्हें मार देगी। ओ उसने एलेक्स को पकड़ लिया डॉल ने। लेकिन भाई अगर ये हैकर मेरे हाथ में आ जाए ना तो मैं इसको बहुत मारूंगा, क्योंकि सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। अगर ये हैकर नहीं होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। एंड वो देखो डॉल उसे कहाँ लेके जा रही है, जमीन के अंदर। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए इससे पहले कि हम लोग भी चले जाएं। सो दोस्तों हम लोग दोबारा वहीं पे आ चुके हैं, लेकिन एलेक्स मर चुकी है। सो गाइस सो बहुत ही ज़्यादा मेरे को बैड लग रहा है कि एलेक्स यहाँ पे नहीं रही। लेकिन एनीवे हम लोग जाने वाले, ओ वेट ये कौन है, ओ ग्रीन पांडा, वाओ आई थिंक ये पांडा नहीं है ये कोई और ही है। सो हम लोग जाने वाले हैं, ओ अबे हाँ हम लोग तो इसी के अंदर जाने वाले हैं भाई। हाँ गाइस तो लास्ट वाली ये है, थर्ड वाली, सो लेट्स गो। इसका नाम है आई थिंक ग्रीन मॉन्स्टर, आप लोग बोल सकते हो इसे। हाँ इसका नाम ग्रीन मॉन्स्टर ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी केव के अंदर नहीं आए इस बार, हम लोग तो यहाँ पे एक विलेज के अंदर आए हुए हैं। अरे यार वाओ नूब, सामने देख डायमंड का विलेज, मतलब ये सारे के सारे घर डायमंड से बने हुए हैं और कितने कीमती कीमती ब्लॉक्स लगे हैं यहाँ पे। यार मैंने ये वर्ल्ड पहले कभी नहीं देखे यहाँ पे। लेकिन वेट ये रहा मॉन्स्टर, ये वही ग्रीन मॉन्स्टर है जो कि हमने देखा था बाहर। माय गॉड ये तो जिंदा हो चुका है हमको मारने के लिए। नूब भाई भाग वरना वो तेरे को पकड़ लेगा, जल्दी भाग वहां से ब्रो। नूब भाई मैं नहीं चाहता कि वो तेरे को पकड़ ले और वो तेरे को खा जाए। ओके तो भाई, अरे वाह नूब तो ऊपर पहुंच चुका है डायमंड के विलेज के ऊपर, वाह घर के ऊपर। यार नूब तो बहुत ही चालाक निकला भाई, मेरे को पता नहीं था उसके बारे में। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ एक पिक के ऊपर और जो ग्रीन मॉन्स्टर है ना वो हमारे पीछे आ रहा है गाइस। वो देखो पीछे से आ रहा है वो, मतलब उसने मेरे को देख लिया है। तो फटाफट मेरे को भागना पड़ेगा भाई, नूब तो पहुंच गया है उस घर के ऊपर, तो मैं कहाँ जाऊँ यार, मेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे क्या। यहाँ मेरे को एक घर मिल चुका है लेकिन ये घर मेरे को काफी कमजोर लग रहा है। चलो चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। वाव यार वैसे ये घर अंदर से काफी सुंदर प्यारा लग रहा है मेरे को यार। लेकिन वेट ये घर तो बहुत छोटा था, फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया। माय गॉड ये तो पूरी हवेली है भाई, और यहाँ पर केक भी है, अबे खाओ इसे। वाव यहाँ तो केक भी है भाई, मजा आ गया। लेकिन ये हवेली गाइस, ओ यहाँ पर तो वो हैकर खड़ा हुआ है। हैकर यार ये वही हैकर जो कि मेरे को लास्ट टाइम मिला था। ओ माय गॉड ये हैकर यहाँ पे क्या कर रहा है। अबे हैकर यहाँ से जा प्लीज, मेरे पास मत आ प्लीज हैकर। यार ये हैकर तो मेरे पास मेरे को पकड़ने के लिए आ रहा है। यार हैकर मेरे को छोड़ दे भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। गाइस लगता है ये हैकर चाहता है कि ये मेरे को अपने कब्जे में कर ले एंड फिर मुझसे वो सारे काम करवाए जो ये नहीं कर सकता है। तो मेरे को अपनी शॉट से इसको मारना पड़ेगा। ये ले बेटा ये ले, एक और ले। ओके मेरे को अपनी शॉट से मारना पड़ेगा इसको। ये ले एक और शॉट। ओके आई थिंक ये मरने वाला है। ओके ओके फाइनली, ओ लिटरली ये मर चुका है काफी देर के बाद, लेकिन फाइनली मैंने इसको मार दिया। एलेक्स ये देख मैंने हैकर को मारा बिल्कुल अभी अभी, तू शायद काफी देर के बाद आई है, तूने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने अभी हैकर को मारा है। सो गाइस एक टेंशन खत्म हो चुकी है, लेकिन डोंट वरी चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो मैं इस घर से बाहर निकल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। लेकिन वैसे ये घर बहुत छोटा है, लेकिन अंदर से ये इतना बड़ा कैसे है भाई, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। लेकिन और कोई बात नहीं है। सो हम लोग आ चुके हैं दोबारा उसी डायमंड विलेज के अंदर, लेकिन बेचारा नूब अभी तक ऊपर है और मेरे सामने ये रहा ग्रीन मॉन्स्टर। रुको भाई इसको अपनी शॉट से मारता हूँ, मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक शॉट है और मेरे को लगता है मैं इसको अपनी शॉट से मार सकता हूँ। ये देखो भाई मैंने फाइनली ग्रीन मॉन्स्टर को मार दिया, और मैंने इस शॉट से इस मॉन्स्टर को मारा एंड इस शॉट से मैंने पॉपी प्ले टाइम को मारा। तो मतलब ये शॉट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन अब टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर निकलने का फटाफट से। सो गाइस मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर, चलो फटाफट निकलते हैं। हमारा पोर्टल, हाँ ये रहा हमारा पोर्टल, सो लेट्स गो चलो निकलते हैं यहाँ से। ये सो फाइनली हम लोग वहीं पर आ चुके हैं दोस्तों जहाँ से हम लोग गए थे, और हम लोगों ने तीन लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है फोर्थ वाले के अंदर जाने की।
जो कि है गाइस आई थिंक एक कार्टून कैट। व्हाट भाई, ये बहुत ही खतरनाक कैट होती है यार, मतलब कार्टून भूतिया कैट। ओ माय गॉड, ये यहाँ से बाहर निकल चुकी है गाइस, देखो इसके कितने सारे हाथ हैं और ये कैसे हंस रही है। माय गॉड, कितने ज्यादा हाथ हैं इसके और इसने मेरे पिक को मार दिया। भाई ये तो सिर्फ मैं बचा हुआ हूँ भाई, मैं और एलेक्स। माय गॉड, और अभी एलेक्स को मार रही है, इसने एलेक्स को मार दिया गाइस। और अभी मेरे पास क्यों आ रही है ये, वैसे देखने में कितनी ज्यादा खतरनाक।